से मानते हैं भिकमंगों से, जिसकी जनसंख्या कुछ नहीं है, 0/7। मुझे बड़ा दुख होता है, कभी कभी आत्मिक गिलानी होती है कि उनसे मानते हैं। एक हमारे यहां कहावत होती है कि बहुत हरियाणा के और हमारे जाट समाज के बहुत लोग हो गए जो भैंस पालते हैं, भैंस से दूध मांगा जाता है, दे देगी। लेकिन आप पड़वा के यहां चुखरिया लगाए बैठे हमारे बुंदेलखंड में चावल है, वो क्या देंगे जो स्वयं यहां के नहीं है। हम उनको बेकार कहते हैं, 3 गुना अंगुरिया हमारी कहती है कि 3 गुना आप बेकार हो। आप इनसे मांगते हो, केवल इनको देना भर बंद कर दो, एक बार नहीं दोगे तो आप अपनी संसद में गिनती आपकी रहेगी, लोकसभा विधानसभा में आप रहोगे, आपको 100% में 100% जुडिशियल में आप रहोगे, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आप बनोगे। और जब तक इनसे भीख मांगोगे ये क्यों देंगे, क्यों देंगे आपको भीख। अभी मेरे यहां बाबा दिन भर बागेश्वर बागेश्वर भागेश्वर चिल्लाता है, मेरे ऊपर जान प्राणघातक हमला हुआ, लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया है, ये मनुवादियों ने, वो अब केवल बाबाओं को लेकर चल रहे हैं, सब समाप्त कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमने ढोंग के अलावा बाबाओं के अलावा कोई चीज उनको दिखाई नहीं दे रही है। मेरे यहां के 5 बाबा सोशल मीडिया में बताया जाता है, जो मध्य प्रदेश में 2,17,000 करोड़ पूरा बजट होता है, वो 5 बाबाओं का 2,17,000 करोड़ से ज्यादा बजट। अब बताओ आप लोग, इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि इनसे मांगना बंद करो, इनको जो आप 70 वर्ष से देते आए हो, 5,000 वर्ष से इनको भीख देते आए हो, केवल जो शपथ लेते हो। आज दिल्ली के यहां से मेरे नौजवान साथियों, आप शपथ लेकर जाओ कि हम आज से इनको वोट और नोट नहीं देंगे। जिस तरह से जल से मछली निकाल दी जाती है, कुछ नहीं, मारना नहीं पड़ता मछली को, केवल जल से निकाल दो, अपने आप तड़प तड़प के मर जाएगी, अपने आप मर जाएगी। हमने मध्य प्रदेश के अंदर निर्णय लिया है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी से इस्तीफा दिया विधानसभा से, और 6 सीटों में केवल मेरा लड़का ही विधायक बना। इसलिए अगर मुझे नहीं देते हो तो हम जीतना जानते हैं, हम आपके पैर पड़ने वाले नेता नहीं है, हम अपने बाप को बाप कहेंगे। जिस दिन हम अपने बाप को बाप कहना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे बाप की पूजा होगी, महापुरुषों की होगी, और जब तक हम दोगलों को उनके बाप को बाप कहते रहेंगे तो हम पे भी जूते पड़ते रहे हैं, हमारे महापुरुषों पे भी जूते पड़ते रहेंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी जूता पड़ेंगे। इसका दोषी वो नहीं है, हम लोग हैं। इसलिए दोस्तों इनको देना बंद कर दो। और आपको हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला 2023 का चुनाव, गोरिमी काछी हरगढ़िया तेली तमोली नाई धोबी ये सब बनेंगे। इनके लिए हम लोग जगह जगह शपथ लेते हैं कि जिनने हमको छीना है, जिनने हमको लूटा है, जिनने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी है, जिनने हमारे महापुरुषों का मन अन्याय किया है, इनको हम शपथ लेते हैं कि इनको हम वोट नहीं करेंगे। जिस दिन इनको वोट करना बंद कर देंगे ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप मेरे ऊपर प्राण घातक हमला करवाया गया बाबा के द्वारा, उनके लोगों ने कि आरडी प्रजापति अगर जिंदा रहा तो मध्य प्रदेश के किनारे किनारे में घूमेगा, पूरे क्षेत्र में घूमेगा, यहां खाता नहीं खोलेगा। मैं बचा और आज मैं आप लोगों के सामने कहता हूं, भाई मैं तो बच गया, नहीं तो उसी दिन मेरी जान चली जाना थी, तो मैं तो भूत बन गया हूं। मैं शास्त्री जी से कहता हूं कि अगर भूत उतारते हो तो आरडी का उतार दो ना,
अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरा दूध उतारो। और एक्सपायरी डेट की आपने डॉक्टर जाता है, एक्सपायरी डेट की गोली होती है ना, एक्स एक्स माने भूत, तो हम तो उसी दिन मर गए थे। एक्सपायरी डेट की जो गोली खाएगा ना मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा, ये बहुजन समाज जान गया है। ये बाबा के सिपाही, ये काशी राम जी के अनुयायी और ये महापुरुषों के अनुयायी हम जान गए हैं। और हमने निर्णय लिया है, ये मेरे शहर हैं, मध्य प्रदेश मेरे, चाहे आपके कुशवाहा जी हो, आपके पूरे लोग हैं, मैं आपको किसको, ये पूरे बहादुर साथी हैं मेरे साथ। मैं 24 घंटा में अगर 8 घंटा 6 घंटा सोता हूं, मैं एक माह में 25 दिन रात दिन पूरे गांव में घूमता हूं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं बाबा साहब के सपनों का ये संविधान लागू करेंगे। लुटेरे और डकैतों और ये मनु स्मृति नहीं लागू होने देंगे। अगर मनु स्मृति लागू करेंगे तो आरडी प्रजापति पहले गोली खाने को तैयार होगा। हम जिंदा नहीं रहना चाहते ऐसे, ऐसी गुलामी में मैं एक घंटा जिंदा नहीं रहने देता चाहता हूँ। 26 जुलाई 2016 को मैंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा नहीं चलने दी थी, आधा घंटा स्थगित रही, जबकि केंद्र में सरकार बीजेपी की, स्टेट में सरकार, लेकिन दोबारा भी हम ही चुनाव जीते। हमारे तलवे चाट के उनने टिकट दिया और चुनाव हम ही जीते। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। इसलिए हमें अपने महापुरुष मार्गदर्शक बैठे हुए, हमारे सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब बैठे हुए, वो अधिकतर हम सब लोग एक्स हैं, और एक्स को कोई नहीं खाएगा। इन पे लगा देना बागेश्वर बाबा, ये भागेश्वर कहीं नहीं बचेगा। और छतरपुर में तो ये भागा भागा फिरता, एक घंटा नहीं रुकता आरडी प्रजापति के डर के मारे। हम कह रहे हैं इन पाखंडियों से सावधान रहना। अगर आपने अपनी माँ बहनों की बेटियों की इज्जत बचाना है तो इन पाखंडियों से सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर सावधान नहीं रहोगे तो वो दिन अब दूर नहीं है। हमारे पुरखा के पुरखा अब ये कह रहे हैं, अभी मंदिर की बात हुई थी भाई, मंदिर मस्जिद की बात कह रहे थे, मंदिर में क्यों नहीं विश्वास करते हो। मैंने कहा उन्होंने चौपाई में लिखा तुलसीदास जी ने कि पुण्य एक जग में नहीं दूजा, और मन क्रम वचन पितृ पद पूजा, तो वहां भगवान को क्यों बैठाते हो। राम का मंदिर नहीं, वहां तो ब्राह्मण का मंदिर बैठना चाहिए। उन्हीं ने लिखा है, मैंने तो लिखा नहीं, मेरे बाप तो पढ़े नहीं थे। मन क्रम पुण्य एक जग में नहीं दूजा, पूरे देश में पुण्य कोई दूसरा है ही नहीं है। कैसे, मन से, क्रम से, वचन से, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करिए। तो मैं कह रहा हूं मंदिर में उनको बैठाओ ना भाई, दूसरों को क्यों मंदिर में बैठाते हो। अगर वास्तव में पुजारी हो, जो आपने कहा वो हम करने को तैयार हैं, हम उनकी बात नहीं। अभी महा आपके मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूं, हमारे सब लोग बैठे हुए हैं। जे बना धन तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा, वर्णों में अधिम है मोदी जी। अरे कम से कम मोदी जी जो राष्ट्र प्रथम, दूसरा कम से कम मान लो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सत्ता होता, 135 करोड़ में से पहले व्यक्ति को तो अपमान न करो। मेरे यहां प्रधान मुख्यमंत्री भी है, अगर हम कहते हैं भी ये गाली है, जब संविधान में, देश का संविधान जो कानून से चलता है उसमें बदलाव हो सकता है, तो जो हम लोगों को गाली लिखा है सूत्रों को, चार वर्ण में से सूत्र केवल सूत्र, कुर्मी काची हल कर दिया। अब ये कह रहा है नहीं भाई मैं तो सवर्ण हूं, अरे जूते सब पे पड़े हैं, जाट पे थोड़ा कम पड़ा, कुशवाहा पे थोड़ा और, चाहे एक जूता हो, जूता सब पे पड़ा है। लास्ट वालों ने ज्यादा, अगर हम लोगों ने ज्यादा गुलामी नहीं सो, हमने ज्यादा जूता खाए, तो हमने पहले जो गुलामी स्वीकार ली सब एक ही जूता खाया। जूता जूता होता, फूल नहीं होता है, सबने जूता खाया है, इसलिए जूता छोटा नहीं है, शुद्ध है। चार वर्ण के अलावा पांचवा कोई वर्ण नहीं बनाया गया दोस्तों, और पांचवा वर्ण है तो बताए
इसलिए दिल्ली की धरती से हम अवमान करते हैं। मैं अपने साथियों का, मैं अपने समाज के लोगों का, जो बहुजन समाज के लोग हैं, 90% लोगों का मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि मध्य प्रदेश के धरती में हम बहुत बड़ा बदलाव करेंगे और ये हमारे संसद विधायक वहां से जीत के आएंगे। हम खाता नहीं खोलने देंगे, हम इनका खाता नहीं खोलने देंगे। ये जो बाबा ढाबा कहता है ना, ये ढाबा में ही करीब, मैं क्या कहूँ, वहीं पर पूड़ी और कचौड़ी बनाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। अब चूंकि बहुत लोग हैं, मैं ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा रहा तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 900 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय।